हेलो एवरीवन, आप सबका दिल से बहुत बहुत स्वागत है हमारा और एक नया वीडियो पे। तो जैसे कि आप सबको पता है, ओमेन वर्ल्ड कप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और हम हर एक मैचेस एक एक करके कवर कर रहे हैं। और दोस्तों, आज से पीएसएल भी स्टार्ट होने वाले हैं और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पीएसएल का जो फर्स्ट मैच खेला जाएगा लाहौर वर्सेस मुल्तान के बीच में। तो अगर आपको बाकी दिनों की तरह आज का इस मैच में भी ढेर सारा पैसा कमाना है, हर एक स्मॉल लीग मिनी जीएल मेगा कॉन्टेक्स बड़ी आसानी से क्लीन स्वीप करना है, तो दोस्तों हमारे इस छोटा सा वीडियो को शुरू से लेके एंड तक कंप्लीट वॉच कर लो। इससे आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जिससे बड़ी आसानी से पता लगा सकते हो कि आज का फैंटेसी टीम में किस प्लेयर को लेना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है और कौन सा ऐसा प्लेयर रहेगा जिसको हम कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाकर आज भी मेगा जैकपॉट मार सकते हैं। तो अगर आप जीतने के लिए आए हो ना, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करके जाना। इससे आपका मेहनत का पैसा भी बचेगा और खुद एक बेस्ट टीम बनाकर ढेर सारा पैसा जीतोगे, ठीक है। पर दोस्तों, उससे पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, उन सभी भाइयों बहुत पीछे है। उन सभी भाइयों को हमारा बारे में कुछ भी पता नहीं, क्योंकि फैंटास से डेली हम 20 से 50 हजार रुपीज का प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो अगर आपको भी ऐसा ही रोजाना प्रॉफिट कमाना है, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। बस लिंक पे क्लिक करके बड़ी आसानी से बिल्कुल फ्री में आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब हम मैच प्रेडिक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे वेन्यू डिटेल, और वेन्यू डिटेल के अंदर छुपा है टीम का कॉम्बिनेशन। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि ग्राउंड किस प्रकार है, कितना स्कोर बन सकते हैं, कितना विकेट जाने का चांसेस है। तो एक सेकेंड भी दोस्तों गलती से आप वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। तो अभी तक इस ग्राउंड में T20 का टोटल 3 मैचेस खेला गया, बैटिंग फर्स्ट ने 2 मैचेस, बैटिंग सेकेंड ने 1 मैच, मतलब दोनों आप लोग इक्वल मान सकते हो, ज्यादा मैचेस नहीं हुआ ना। बट फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो है 169। तो दोस्तों 170 प्लस जो भी टीम बैट करेगा वो आराम से स्कोर बना गया, ठीक है। मतलब एक एवरेज स्कोर बन रहा है, ठीक है। हाई स्कोर भी आप लोग मान सकते हो, हाईएस्ट 199, लोएस्ट 123। अब स्कोरिंग पैटर्न पे नजर डालें, 150 से नीचे एक बार, 170 से लेके 190 के बीच में दोस्तों एक बार, और 190 प्लस भी एक बार जा चुके हैं। और यहाँ पर 199 का हाईएस्ट स्कोर है, सो 200 प्लस अभी तक स्कोर नहीं बना, 3 ही मैच खेला गया था। तो इससे तो पता चल गया कि 170 प्लस स्कोर बनने वाला है। कितना विकेट जाएगा उसका भी मैं प्रेडिक्ट करके दूंगा, ठीक है। पेसर्स को कितना, स्पिनर को कितना करके वो भी मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, आप लोग स्किप ना करें। दोनों टीम्स के बीच में हेड टू हेड में 13 मैचेस खेला गया, मुल्तान की टीम ने 7 मैचेस और लाहौर की टीम ने 6 मैचेस जीता है। तो 50-50 आप लोग देख सकते हो कि दोनों का जीतने का चांसेस ना 50-50 रहा है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ये बताना कि आज का मैच कौन सा टीम जीत सकते हैं, ठीक है ना। कमेंट करके अपना अपना प्रेडिक्शन जरूर शेयर करना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लास्ट 3 मैचेस का रिजल्ट, जो कि इसी वेन्यू पर खेला गया था। तो हम स्कोर और विकेट पे नजर डालेंगे। इसमें 199 और चेज करने वाला टीम हार गया था। देखिए, स्पिनर को 4 विकेट, पेसर्स को 7 विकेट, चलो बढ़िया है। इसमें आ जाते हैं, इसमें 186 और इसमें भी दोस्तों चेज करने वाला टीम हार गया था। इसमें स्पिनर को 7, पेसर्स को 9 विकेट, इक्वल मान लो। इसमें देख लो 123 और इसमें दोस्तों चेज करने वाला टीम विन किया था। इसमें स्पिनर को 2, पेसर्स को 12। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखा जाए कि पेसर्स और स्पिनर का जो रेशियो है वो आप लोग डबल ही मान सकते, इसमें भी डबल, इसमें डबल से ज्यादा, मतलब 2:1। मतलब अगर आप 2 पेसर्स पिक कर रहे हो ना, तो एटलीस्ट आपको 1 स्पिनर बॉलर को लेके जाना है, ठीक है। क्लियर हो गया ना ग्राम के बारे में। तो चलिए अब हम हेड टू हेड का लास्ट 5 मैचेस का डाटा पे नजर डालते हैं। इससे आप लोगों को कुछ कॉमन पिक मिल जाएगा। हालांकि मैं हर एक प्लेयर्स के बारे में जब डिस्कस करूंगा, तब एक एक प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा, हेड टू हेड का रिकॉर्ड बताऊंगा, वेन्यू का डिटेल बताऊंगा, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा। फिर भी एक बार हम लास्ट 5 मैचेस का रिजल्ट पे नजर डालते हैं, जो कि एक दूसरे के अगेंस्ट खेल के आ रहे हैं, ठीक है। इसमें देख लीजिए, 180 बनाया था लाहौर ने, मुल्तान हार गया था। इसमें हाफिज का रन प्लस स्कोर था, इसमें हेनरी बुक का दोस्तों था 41 था, इसमें अफरीदी ने 3 विकेट, जेड खान का 2 विकेट, शाह का दोस्तों 32, डेविड का 3 और दोस्तों हाँ ये अफरीदी का 3 विकेट। इसमें आ जाते हैं फाकर जमान का स्कोर था दोस्तों, उसके बाद गुलाम का स्कोर था, फिर हाफिज का स्कोर विकेट था, धानी का था, रिजवान का था और रिलेरोसो।
फिर इसमें आ जाते हैं दोस्तों फिर फकर जमान, फिर हाफिज, फिर दोस्तों जमान खान का नाम है और टीम डेविड का नाम है। इसमें आप लोग देखो धानी, फिर दोस्तों चार विकेट इसमें, ठीक है ना, इसमें चार विकेट मिला है। और नीचे जाके दोस्तों एस अफरीदी, फिर से तीन विकेट के साथ। और इस वाला मैच में भी आप लोग देख सकते हो गुलाम का है, फकर का है और नीचे रिजवान। तो देखिए कुछ प्लेयर्स है हेडवेयर्स है, जैसे कि आपका एस अफरीदी हो गया, रिजवान हो गया, ठीक है, जवान हो गया, फिर धानी हो गया, जो चार प्लेयर है ना, चार प्लेयर हमारे लिए कॉमन पिक बन जाएगी। चार प्लेयर हर एक मैच में बार बार परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम देखेंगे दोनों टीम्स का प्रोबेबली प्लेइंग 11, साथ ही साथ हम हर एक प्लेयर्स का ऑल ओवर करियर का स्टेट चेक करेंगे और रिसेंट मैचेस का डाटा चेक करेंगे, हेड टू हेड का डाटा चेक करेंगे, पर्टिकुलर इस वेन्यू का डाटा हम चेक करने वाला है। तो मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर में आप लोग मिल जाएगा, ओपनिंग करेगा, टीम का कैप्टन है दोस्तों। रिसेंट देखिए 24, 11, 61, 73, 55, हेड टू हेड में एक ही मैच में 50 जोड़ा है। बट दोस्तों ये पीएसएल है, ठीक है, पीएसएल में मोहम्मद रिजवान हमेशा फॉर्म में होता है। ऐसे तो इंटरनेशनल मैचेस में एक लौता बैट्समैन है जो अगर चलेगा तो भाई इसका टीम ज्यादा स्कोर करते हैं, तो पीएसएल में सब लोग इसको कैप्टन ही मनाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको पिक करने के साथ साथ कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करने वाला है। जीएमए का टीम आप इसको ड्रॉप करके जा सकती हो। शान मासूद की अगर बात करें तो आप लोग देख लो 38 है और 24 है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हेड टू हेड में तीन मैच खेला, तीनों मैच में पूरी तरह से फेल रहा, बट इस पर्टिकुलर वेन्यू पे देख लीजिए क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस है, 46 के 61 है। तो दोस्तों वेन्यू का डाटा देखते हुए आज हम इसको पिक करेंगे, क्योंकि ओपनिंग नहीं तो ऑनलाइन पे आप लोगों को बैटिंग करके मिल जाएगा। रेलर ओसो की अगर हम देखें, इनका भी रिसेंट मैच देखिए ना, काफी जबरदस्त है और साउथ अफ्रीका टी20 में भी बहुत गजब का परफॉर्म करके आ रहे हैं। 56 है दोस्तों, 40 है और हेड टू हेड में एक में 65 का है और इस पार्टिकुलर वेन्यू पे सबसे जबरदस्त इनका रिकॉर्ड रहा है, एक में 100 दूसरों में 50 एक में खेल रहा है, क्योंकि इस ग्राउंड पे तीन मैच जो खेला गया था वो तीनों मैच इन्होंने खेल के रहेगा, तीनों मैचेस में इसका परफॉर्मेंस गजब का है। तो दोस्तों इसको भी आप लोग कैप्टन बना सकती हो आज, ठीक है ना, जीएम में तो ट्राई जरूर करना। नेक्स्ट प्लेयर टीम डेविड, टीम डेविड भी दोस्तों उतना खास नहीं रहेगा, 20-25 करके इसको मारते हैं। नेक्स्ट प्लेयर हम आ जाते हैं डेविड मिलर, ये भी दोस्तों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख ले एक ही दो मैच है जहां पर थोड़ा बहुत खेला था बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसी इसको ड्रॉप मारते हैं। हाँ बात है दोस्तों केसाव का डिसेंट मैचेस का परफॉर्मेंस देख लो, रन प्लस बॉलिंग किया, रन बॉलिंग किया, बट पीएसएल में ये बॉलिंग नहीं कराते हैं, ठीक है, इनका जो डोमेस्टिक वगैरह मैच चल रहा था उसमें यह बॉलिंग करा रहा था और हेड टू हेड में काफी कवर मतलब बॉलिंग करा था, ये देख लो मतलब एक दो ओवर डालते हैं 32 रन, साथ में 0 विकेट 22 रन, मतलब एज ए पीक हमारा टीम में होना जरूरी है, क्योंकि ये बॉलिंग अगर दो ओवर करा दिए क्योंकि ले लिया तो दोस्तों इन पर काम कर जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बोलर रहेगा एकल हुसैन, देख लीजिए एक विकेट दो विकेट, हेड टू हेड वेन्यू पे खेला नहीं आते थे तो हमारे लिए नॉर्मल पिक बन जाएगा, इसको हमें पिक करना है। आप देखिए पीएसएल का जो सबसे इंपॉर्टेंट बोलर बताया है ना, जिसको दो दो तीन तीन करके विकेट मिलता है, वो है दोस्तों धानी, ठीक है, इनका रिकॉर्ड देख लीजिए, हालांकि रिसेंटली उतना खास नहीं है, 5 में से 2 विकेट मिला, बट हेड टू हेड में 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट। हेड टू हेड का मतलब क्या है, ये पीएसएल का ही रिकॉर्ड है, लाहौर के साथ इन्होंने जो भी मैच खेल के रखा है, वेन्यू पे कुछ नहीं है। तो दोस्तों ऐसा बोलर्स को हमें तो गलती से भी ड्रॉप नहीं करना, इसको पिक करना ही है, ठीक है, और जीएल में तो कैप्टन मैच में ट्राई कर सकते हो। अब दोस्तों अब्बास अफरीदी, इनका रिकॉर्ड भी देख लीजिए, इनके ऊपर लोगों का नजर नहीं है, थोड़ा भी देख लो यार, ड्रीम इलेवन में जाकर पहचान लेना, नाम तो है ही, तो देख लीजिए 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। हेड टू हेड में भी दोस्तों दो मैच में 1-1 विकेट लेके रखा है, इसका सिलेक्शन बहुत ही लो है, तो एज ए प्रॉम पिक हमारा काम कर जाएगा, इसको भी पिक करेंगे हम। ओके नेक्स्ट प्लेयर दोस्तों आदिल रशीद, क्या गजब का परफॉर्म कर रहा था साउथ अफ्रीका टी20 लीग में, आप लोगों को पता है, ये देखिए जितना भी मैचेस का रिसेंट कर रहा है ना, सारे साउथ अफ्रीका टी20 का है, 2-2, 2-1, हेड टू हेड और वेन्यू पे अभी तक नहीं खेला है, तो एज ए सेफ ऑप्शन इसको पिक करना है, क्योंकि एक लेग ब्रेक है और इस ग्राउंड पे स्पिनर को भी हेल्प मिलता है, इस चीज को पहले हमने क्लियर करके रखा, ठीक है। अनवर अली पीएसएल का वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट बोला, 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, तो दोस्तों ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट पिक बन जाएगा, बाकी वेन्यू पे कुछ भी डाटा नहीं है। अब हम दूसरे टीम पे आ जाते हैं लाहौर की तरफ, ठीक है, तो लाहौर के साइड से फागर जमान ओपनिंग करती है, आप लोग दिख जाएगा
तो दोस्तों इसका सिर्फ एक मैच अगर हम हटा दे तो बाकी पांच मैच का डाटा कुछ भी नहीं है। और हेड टू हेड में क्या तावाई मचा कर रखा है, देख लो तीन मैच में से एक में 67, एक में 60। तो दोस्तों आप ऐसा टीम बनाना जहां पर आपने रिजवान को कैप्टन बनाया तो फकर को वाइस कैप्टन, ऐसा एक कॉम्बिनेशन आप जीएल में जरूर ट्राई करना। बाकी स्मॉल लीग में तो इसको हमें पिक करना है, छोड़ने का कोई सवाल नहीं है। नेक्स्ट प्लेयर पे आ जाते हैं दोस्तों, ए सफिक, ठीक है, तो इनका डाटा देख लो उतना खास नहीं रहेगा तो सीधा ड्रॉप करते हैं। हेड टू हेड में तीन मैच खेला, तीनों मैच में एक भी मैच ऐसा नहीं है जहां पर 20 प्लस स्कोर मारा इसने। नेक्स्ट देखिए के गोदाम, इनका डाटा काफी जबरदस्त लगा, हेड टू हेड में भी काफी जबरदस्त है, 42 है इसमें 20 है और रिसेंटली भी दोस्तों ठीक ठाक है, ठीक है एज ए पिक हमारे लिए बन जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों सिकंदर राजा जो कि एक ऑलराउंडर है, और देखिए राम विकेट नहीं है, रान विकेट है, रान है और विकेट नहीं है, यहाँ पर रान नहीं है तो विकेट है, बॉलिंग से नहीं तो बैटिंग से और बैटिंग से नहीं तो बॉलिंग से परफॉर्म करके देगा, पॉइंट्स देकर जाएगा। तो चाहो तो इसको वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, कैप्टन के लिए भी दोस्तों एक सेफ ऑप्शन बन सकते हैं, ठीक है ना, अगर ये टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने लाए तो। बाकी हैरी ब्रुक की अगर हम बात करें उतना खास नहीं रहेगा, थोड़ा डाउन पे आएगा तो दोस्तों सीधा ड्रॉप मार दो। बाकी डेविड ओसी देख लीजिए क्या गजब का प्लेयर है यार, ठीक है, रन साथ में 2 विकेट, साथ में 1 विकेट, 5 विकेट लेके रखा है रिसेंटली, 1 विकेट 2 विकेट, तो 2 3 4 5 6 और इधर से मतलब 5 मैच में लास्ट का 5 जो मैच खेला नहीं होने 11 विकेट लेके रखा है, ठीक है। हेड टू हेड में देख लो 28 रन 1 विकेट, विकेट नहीं मिला, विकेट नहीं मिला, वेन्यू पे अभी तक खेला नहीं है। तो दोस्तों ये भी हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पिक बन जाएगा, चाहो तो आप लोग वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। लियाम डॉसन, इनका भी रिकॉर्ड देख लीजिए, ये भी ऑलराउंडर है बट मेरे हिसाब से पीएसएल में उतना इंपोर्टेंट नहीं रहेगा, बट इनका अगर हेड टू हेड का रिकॉर्ड देखोगे पीएसएल का तो 22 रन 7 में 3 विकेट, 22 रन 7 में 1 विकेट, 18 रन 7 में 1 विकेट, हर एक मैच में 20-22 करके स्कोर है और 2 1 विकेट है, ठीक है, तो इंपोर्टेंट पिक बन जाएगा दोस्तों, बट मैं इसको ड्रॉप करूंगा आज, ठीक है ना। बाकी रीजन भी मैं टेलीग्राम पे बताऊंगा, इसमें मैं शुरुआत में बताया था कि टेलीग्राम का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, जाके ज्वाइन कर लो। अब दोस्तों आते हैं रोशिद खान, ठीक है, रोशिद खान एक ऐसा प्लेयर है कि कभी भी 2 से 3 विकेट इजी नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। रिसेंट देख लो 2 विकेट 2 विकेट फिर 1 विकेट, हेड टू हेड में 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, तो हमारा इंपोर्टेंट पिक बन जाएगा, काफी लोग इसको वाइस कैप्टन में ट्राई करके रखा है। नेक्स्ट साइन अफरीदी, पीएसएल का सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर, एक्सपीरियंस बॉलर, ठीक है, कौन है, साइन अफरीदी। रिसेंट डाटा देखो 1 विकेट 2 विकेट 4 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, 4 4 8 9 10 11, इन्होंने भी 5 मैच में 11 विकेट लेकर रखा है। हेड टू हेड 3-2, जब इसको मिलता है ना 2 से 3 तो कुछ नहीं, तो अगर इनका टीम पहले बैटिंग सॉरी बॉलिंग करे तो साइन अफरीदी को एक जीएल टीम में जरूर कैप्टन ट्राई करना, हो सकता है तो स्मॉल लीग में भी ठोक देना इसको वाइस कैप्टन। हारिस रो और एक इंपोर्टेंट बॉलर, इसको भी हमें ट्राई करना है, काफी इंपोर्टेंट रहेगा। उसके बाद दोस्तों जामान खान, हेड टू हेड का इनका रिकॉर्ड देख लो, एज ए प्रॉम्प्ट पिक आप लोग जीएल में ट्राई करना, 2 विकेट है 1 विकेट और हर एक मैचेस में 1 विकेट लेकर रखा रिसेंटली, तो इनका सिलेक्शन मेरे हिसाब से काफी कम रहेगा, तो इसको आप लोग एज ए प्रॉम्प्ट पिक ट्राई कर सकते हो। इनके अलावा बेंचेस में जो भी प्लेयर्स है आप लोग उसका डाटा देख सकती है, अगर प्लेइंग 11 से बाहर कोई प्लेयर खेला तो ये आपका लिस्ट आम है, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो और मैं हर एक प्लेयर्स के बारे में आप लोगों को बता दिया, वेन्यू डिटेल से लेकर सब कुछ मैं आप लोगों को बताया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे प्लेयर्स बैटल, ठीक है, प्लेयर्स बैटल मैं आप लोगों को समझाता हूं। तो इस साइड में देखिए मुल्तान सुल्तान का बैट्समैन है, उस साइड में लाहौर कैलेंडर का बोलर्स है, रिजवान, तीन बार नाम है ना, रिजवान को अफरीदी ने 2 बार आउट किया है, ठीक है, रिजवान को हारिस रोप ने 2 बार आउट किया है, और ये जो 2 बोलर्स है ना किसी भी बैट्समैन का आउट कर सकते हैं, तो रिजवान का चढ़ने का चांसेस थोड़ा घट जाते हैं क्योंकि ये दोनों टॉप ऑर्डर में बॉलिंग करने के लिए आएगा, रिजवान भी उस समय ओपनिंग बैटिंग आएगा, तो दोस्तों अगर सही से खेल नहीं पाया ना अफरीदी और रोप को तो रिजवान आज जल्दी आउट हो सकता है, अगर दोनों को सही से खेल गया तो 50 से ज्यादा मार देगा, क्लियर हो गया। तो जिस टीम पे आप अफरीदी को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं उस टीम पे आप रिजवान को ड्रॉप कर दो, ओके, जिस टीम पे आप रिजवान को कैप्टन नहीं तो वाइस कैप्टन बना रहे हो उस टीम पे आपको अफरीदी को नहीं तो हारिस रोप को ड्रॉप करना, किसी एक को ही पिक करना, क्योंकि रिजवान अगर मारेगा तो इन दोनों को मारकर बाहर चला जाएगा, अगर रिजवान फेल होगा तो इनमें से किसी एक को मिल जाएगा, क्लियर हो गया ना। अब चलो क्या लिखा है, मासूद रोसो, मासूद को दोस्तों जेड खान आउट नहीं कर पाया,
जीरो है, रोप ने दोस्तों आप नहीं कर पाया, आकृति ने दो बार आउट किया फिर, ठीक है। रोसो को दोस्तों आप तो देख सकते हो, रोप ने आउट किया है तीन बार और जान खान ने, तो रोप और आकृति हमारा इंपोर्टेंट बनेगा, इस चीज को ध्यान में रखो, और उस साइड से रिजवान थोड़ा बहुत और रिलर्स थोड़ा बहुत इंपोर्टेंट बन जाएगा, ओके क्लियर। अब दूसरा पेज पे आओ, इसमें क्या है, उस साइड में लोहार कलंदर का बैट्समैन चला गया, इस साइड में मुल्तान का बॉलर चला गया, तो फकर जवान को ए अफरीदी ने आउट नहीं कर पाया, फकर जवान को धानी ने एक बार आउट किया, ए हुसैन ने एक बार आउट किया, फकर जवान का भी थोड़ा खतरा है, ठीक है। ब्रुक्स को दोस्तों आउट नहीं कर पाया, इसने भी आउट नहीं कर पाया, इसने भी आउट नहीं कर पाया, फिर दोस्तों डेविड विसी को धानी ने एक बार आउट किया, तो इसका मतलब क्या है कि राजा हमारे लिए थोड़ा इंपोर्टेंट बनेगा, डेविड विसी इंपोर्टेंट बनेगा, और इस साइड से दोस्तों धानी और ए हुसैन हमारे लिए इंपोर्टेंट भी बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो का एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया हो, अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा ना तो आपको सारे इन्फॉर्मेशन में ऑलमोस्ट दे दिया, और एक टीम बनाने के लिए जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए, ग्राउंड इन्फॉर्मेशन से लेके प्लेयर का बैटल बताया, हेड बैट का डाटा बताया, ग्राउंड्स का इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है, एक एक प्लेयर से लेके मैंने डिस्कस की, तो इतना इन्फॉर्मेशन काफी है एक टीम बनाने के लिए। बाकी जो हमारा फाइनल टीम होगा, मैं दोस्तों अभी टॉस के बाद ही, क्योंकि पहला मैच है ना, तो इसलिए लाइनअप पे कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, सो टीम बना कर देने का तो कोई मतलब ही नहीं है, बस इन्फॉर्मेशन देना था, मैं आप लोगों को दे दिया। तो अगर आपको हमारा टीम चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जाके जल्दी से ज्वाइन कर लो, वहीं पर इस मैच के रिलेटेड सारे कुछ फाइनल अपडेट आता रहेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं और एक ऐसा ही दमदार नया वीडियो पे।